अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ क्लास, आई होप यू आर ऑल फाइन। टुडे वी विल स्टार्ट आवर सेकंड लेक्चर ऑफ फर्स्ट वीक। डेट इज़ 5 दिसंबर, क्लास 5, सब्जेक्ट इंग्लिश एंड यूनिट नंबर 13, लेसन नंबर 3 एंड टॉपिक इज़ किडनैप्ड, पार्ट 1। किडनैप्ड का हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। बेटा ये जो किडनैप्ड है ये हमारा एक्सट्रैक्ट है, हमारे नॉवल का एक्सट्रैक्ट है। और एक्सट्रैक्ट क्या होता है? किसी भी नॉवल, टेक्स्ट या फिल्म या यू कैन से म्यूज़िक का कोई पीस हो या पैसेज हो, उसको हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो इसी तरह ये जो हमारा नॉवल है इसका ये एक्सट्रैक्ट है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, पीस ऑफ दैट नॉवल विच इज़ किडनैप्ड। ठीक है, किडनैप्ड वॉज रिटन बाय R.L. स्टीवनसन एंड सेट इन स्कॉटलैंड। यानी जो इसकी सेटिंग है वो स्कॉटलैंड में हुई है 1751 में, और किसने लिखा है? R.L. स्टीवनसन ने। इसमें दो करेक्टर हैं, डेविड एंड हिज अंकल। डेविड जो है वो बताता है कि इसके अंकल किस तरह के हैं, किस तरह का उनका बिहेवियर है। हियर ही से दैट वन डे दे मेड अ बोल ऑफ पॉरेज, ग्लास ऑफ वाटर फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड सपर। उन्होंने सपर, लंच और ब्रेकफास्ट के लिए ग्लास ऑफ वाटर रेडी किया और बॉल ऑफ पॉरेज है वो तैयार किया। पॉरेज क्या होता है? दलिया होता है। ठीक है, उन्होंने वो लिया तीनों टाइम। और साथ ही बताता है कि ही वॉज नोटिसिंग दैट हिज अंकल वॉज कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग एट हिम एंड समटाइम दे वॉज ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज डूइंग समथिंग डिफरेंट, बट हिज अटेंशन वॉज डेंजरस फॉर हिम। ठीक है, डेविड के लिए उसकी जो अटेंशन थी वो डेंजरस थी। डेविड सेड दैट ही सीम्स टू बी क्रेजी आर यू कैन से डेंजरस फॉर मी। मुझे वो थोड़े क्रेजी भी लग रहे थे और अपने लिए खतरनाक भी लग रहे थे। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि अंकल सेड टू मी दैट डेविड आई प्रोमिस्ड योर फादर दैट आई विल गिव हिम 40 स्कॉटिश पाउंड्स एंड नाउ यू आर हिज सन एंड आई एम गोइंग टू गिव यू। यानी वो जो 40 पाउंड्स हैं वो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। डेविड बहुत खुश होता है कि अंकल जो इतने कंजूस हैं वो मुझे जो है वो 40 पाउंड्स देने जा रहे हैं। अंकल क्या करते हैं? ही गेव हिम 38, उन्होंने उसको 38 पाउंड दिए। ठीक है, पाउंड्स ऑफ 38 पाउंड्स ऑफ गोल्ड, यानी गोल्ड के वो पाउंड्स थे जो उन्होंने दिए उसको। दो उन्होंने फिर रख लिए। डेविड इसमें भी खुश होता है कि अगर इससे भी कम देते तो मैं इनकार ना करता। अब अंकल क्या कहते हैं? डेविड एज यू नो दैट आई एम ग्रोइंग ओल्ड एंड यू हैव टू डू समथिंग फॉर मी। डेविड जो है बहुत खुश हो जाता है, कहता है ऑफ कोर्स आई एम हियर, व्हाट आई कैन डू फॉर यू। अंकल सेड हिम यू हैव टू गो अपस्टेयर एंड ब्रिंग सम पेपर फ्रॉम दैट बिल्डिंग विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन, जो कि अभी तमीर हो रही है, यानी वो मुकम्मल तमीर नहीं हुई थी। उस बिल्डिंग में जाना है और उसके अपस्टेयर पे एक रूम है, वहां से कुछ पेपर्स लेके आने। कहता ओके यस, एंड ही ऑल्सो जो डेवी है वो उसको कहता है कि कैन आई टेक अ टॉर्च विद माई सेल्फ, मैं अपने साथ जो है वो टॉर्च जो है वो लाइट लेके जा सकता हूँ। अंकल आंसर्ड हिम वेरी स्ट्रिक्टली दैट नो, तुम नहीं लेके जा सकते। ठीक है, उसके लिए डेवी के लिए बड़ा स्ट्रेंग था आंसर। खैर वो चला जाता है और डेवी साथ ही बताता है कि ये जो नाइट थी वो बहुत ज़्यादा थंडरिंग नाइट थी और ओनली द लाइटनिंग ऑफ दैट नाइट, यानी बिजली की जो चमक थी उसकी वजह से वो जो था वो उस बिल्डिंग तक पहुंचा और उसने स्टेयर्स को देखा। टॉर्च उसके पास नहीं थी, अंधेरा था। जैसे ही वो बिजली चमकती है तो उसको स्टेयर्स नज़र आती हैं और उसी चमक में उसको नज़र आता है कि ये जो स्टेयर्स हैं अन ईवन हैं, यानी zigzag फॉर्म में हैं। ठीक है, दैट वॉज दे वर टू मच डेंजरस फॉर हिम। ठीक है, अब क्या करता है कि वो हाथ रख रख के हर स्टेप पे वो हाथ रखता है, फिर वो ऊपर जाता है, हर स्टेप पे हाथ रखता है और ऊपर जाता है। और जब वो एंड पे पहुंचता है तो उसे पता चलता है देर इज नो रूम, देर इज नो मोर स्टेप टू अपस्टेयर। ठीक है, अब कहता है कि ऊपर जाने के लिए
और कोई स्टेप नहीं था। तो वो बहुत परेशान होता है और उस टाइम उसको रियलाइज होता है कि उसके जो अंकल हैं वो किस किस्म के क्लेवर इंसान हैं, यानी किस तरह के डेंजरस हैं। वो चाहते थे कि मैं मर जाऊं। वो बड़ा केयरफुली वापस आता है और उसके अंकल जो हैं वो अंदर किचन में होते हैं, मेरे ख्याल से किचन में ही हैं या रूम में होते हैं। तो वो जाके उनकी बैग पे हाथ रखता है तो वो शॉक हो जाता है, डर जाता है, ठीक है, स्टर्न हो जाता है कि ये क्या, मैंने तो मरने के लिए भेजा था, ये जिंदा वापस आ गया, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही बताया गया है। अब हमने इसकी जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2 करनी है, वो इधर मेंशन है, देखिएगा। रीड द स्टोरी, लर्न द मीनिंग्स एंड डू एक्सरसाइज 2। हमने इसके जो कुछ मीनिंग्स हैं वो मैं आपको अंडरलाइन करवा दूं। ये जो है ब्रेकफास्ट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। नोटिस्ड, प्रिटेंडिंग, चेस्ट क्या है, ये जो है वो बॉक्स हैं, वो इसके मीनिंग मैं आपको आगे बता दूंगी। क्रेजी, सरप्राइज्ड, वार्मली, ठीक है, इसी तरह आ जाएं। लाइटनिंग पे अनइवन, इनको अंडरलाइन कर लें। स्ट्रेट, इनके जो मीनिंग्स हैं आपने खुद सर्च आउट करने हैं। आपने क्या करना है कि कॉलम बनाना है, एक तरफ ये न्यू वर्ड्स लिख लेने हैं और दूसरी तरफ इनके जो मीनिंग्स हैं ना जो आपने उर्दू में लिखने हैं, ठीक है, उनको सर्च आउट करना है आपने और फिर लिखना है। अब ये कुछ न्यू वर्ड्स जो है वो मैं दे रही हूँ आपको, ये देख लीजिएगा। प्रिटेंडिंग, इसका मतलब होता है पॉज, पुट ऑन अ फॉल्स फ्रंट, यानी अपना जो भेस बदलना या बहाना करना, वो चीज़ दिखाना जो असल में ना हो, ठीक है। चेस्ट, पीछे हमने पढ़ा, अ लार्ज स्ट्रॉन्ग बॉक्स मेड ऑफ वुड, जो लकड़ी का बना हुआ हो। क्रेजी, मैड, थंडर, अ वाइड स्टॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड एंड हैवी रेन, ग्रैंड, एक्सीलेंट। एक्सरसाइज नंबर 2, डिड दीज थॉट्स ऑफ डेविड अबाउट हिज अंकल टर्न आउट टू बी ट्रू और फॉल्स। इनको हमने क्या करना है कि ये जो है वो डेविड की थॉट्स हैं अपने अंकल के बारे में, अगर तो ट्रू हैं उनको ट्रू कर देना है, अगर फॉल्स हैं तो उनको फॉल्स कर देना। नंबर 1, ही वॉज क्लियरली थिंकिंग हार्ड, यस, ट्रू। नंबर 2, ही बिगैन टू वॉन्डर इफ ही वॉज अ लिटल क्रेजी एंड परहैप्स डेंजरस। आई बिगैन टू वॉन्डर, मैं सोच सोच के हैरान हुआ, या वो हैरानगी से सोचना शुरू कर दिया, या वो हैरान था। आई बिगैन टू वॉन्डर इफ ही वॉज अ लिटिल क्रेजी एंड परहैप्स डेंजरस, या तो वो थोड़ा से थोड़े पागल भी हैं, क्रेजी भी हैं, मैड भी हैं, और शायद डेंजरस, बहुत खतरनाक भी हैं उसके अंकल। नंबर 3 पे ये ट्रू है, सेकेंड ट्रू है। नंबर 3, आई वॉज श्योर दैट ही वुड गिव मी नथिंग एट ऑल, और मुझे यकीन था कि वो मुझे कुछ नहीं देंगी। यस, इसी वजह से तो उसने ऊपर भेजा था कि अगर ये मर जाता है तो मेरा जो इसके फादर के साथ प्रॉमिस है वो भी एक तरफ से पूरा हो जाएगा, और इसकी डेथ हो जाएगी तो जो मनी है सारी वो मुझे रिटर्न हो जाएगी, मुझे इसको देना नहीं कुछ पड़ेगा। तो यस, ये क्या है, उसने कहा आई वॉज श्योर दैट ही वुड गिव मी नथिंग एट ऑल, मुझे यकीन था कि उसको कुछ नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने उसको ये दिया था। लेकिन किस सेंस में दिया था, वो जो है ऊपर भेजने की सेंस यही थी कि वो मर जाएगा और उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसको दिए थे, पहले तो उन्होंने दिए थे, इस लिहाज से ये स्टेटमेंट फॉल है। नंबर 4, परहैप्स माई अंकल वॉन्ट्स मी टू डाई, शायद वो चाहते थे कि मैं मर जाऊँ, यस, ट्रू। ओके बेटा, आपने इनके जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स मीनिंग्स हैं, इनको आपने राइट डाउन कर लेना है, और इस ये जो हमारे ट्रू फॉल्स हैं इनको भी आपने राइट डाउन करना है एक्स्ट्रा शीट पे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।